हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये मासा कुमरी यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि अभी हाल ही फिलहाल 2 दिन पहले हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर दिया हुआ है, लेट x इक्वल्स टू x1 x2 xn एंड y इक्वल्स टू y1 y2 yn बी एनी टू पॉइंट्स ऑफ आर। देन ये एक इनइक्वलिटी है जिसे हमें बताना है कि कौन सी इनइक्वलिटी है इज कॉल्ड। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कॉची सकवाज इनइक्वलिटी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ओपन बॉल इन आर डी यूजुअल मैट्रिक विद सेंटर x0 एंड रेडियस r इज डिफाइंड एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, x0 - r, x0 + r। और ठीक है, ओपन सेट में। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ओपन बॉल x-1, 1 फॉर द यूजुअल मैट्रिक फॉर r इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा b-2, 0। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है क्लोज्ड बॉल के लिए यूजुअल मैट्रिक डिफाइन करनी है फॉर r के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा 0, 1/2 क्लोज ब्रैकेट। फिफ्थ क्वेश्चन है, एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओपन एज वेल एज क्लोज। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट इक्वल्स टू एक्स, देन इंटीरियर ऑफ ए इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओपन। सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, फॉर एनी सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एट्थ क्वेश्चन, इसमें बताना है कि इफ एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस एंड डी वन एक्स वाई इक्वल्स टू डी एक्स वाई अपॉन 1 + dxy फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, देन द मैट्रिक स्पेस एक्स डी वन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाउंडेड। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंटीरियर ऑफ ए। टेंथ नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो लिमिट पॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, एवरी डेराइव्ड सेट इन अ मैट्रिक स्पेस इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोज्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है। ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर देखना है हमें, इन अ मैट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका ऑल ऑफ द अबव। थर्टीन नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज डिफाइंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट ए बी द सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका भी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें विच इज़ ट्रू बताना है, विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ इज ट्रू। तो इसका भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव 16 का। 17 नंबर का क्वेश्चन आपका, 17 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द कॉन्टोर इंटीग्रल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ए, 0। 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू इक्वल्स टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 10 inverse y/x + c। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, z1 z2 इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 mod into z2 mod। 21 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, ओपन स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट ओरिजिन इन द मैट्रिक स्पेस आर स्क्वायर डी, वे आर डी इक्वल्स टू √x1 - y1² + x2 - y2² देन x=x1, x2 and y=y1, y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस ऑन आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर इज एन ओपन सेट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, द मैपिंग w=z²-2z-3 इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कन्फर्मल एवरीवेयर।
25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, ए फंक्शन यू एक्स वाई इज सेट टू बी हार्मोनिक इफ, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर। ओके नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, और ए ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड एंड बाउंडेड देन इट इज़, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कॉन्स्टेंट। ठीक है 30 नंबर का क्वेश्चन है, द पॉइंट्स विच एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू इज नॉट एनालिटिक आर। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बार इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल्स टू जीरो बट नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू जीरो। ठीक है 31 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई कॉच रिमेन इक्वेशन आर, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वाई ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। ठीक है 33 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन एंड सीयर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। ठीक है 34 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एफ जेड यू प्लस आई वी एन पोलर फॉर्म इज एनालिटिक देन डेल वी ओवर डेल आर इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी माइनस के वन अपॉन आर डेल यू ओवर डेल थीटा। ठीक है 35 नंबर का क्वेश्चन है, इफ यू इज हार्मोनिक फंक्शन देन ए देन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल जेड बार इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन, इफ एफ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई प्लस आई बी एक्स प्लस सी वाई इज एनालिटिक देन ए बी सी इक्वल्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ दीज। 37 नंबर का क्वेश्चन है, इफ यू इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई देन द एनालिटिक फंक्शन यू प्लस आई वी इज, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जेड ई की पावर जेड प्लस सी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्फॉर्मल। 39 नंबर का क्वेश्चन है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन देन द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इज कन्फॉर्मल एट ऑल पॉइंट्स जेड एक्सेप्ट एट पॉइंट्स वेयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हुई और सी, दोनों में से एक हो सकता है लेकिन इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एफ डज जेड इक्वल्स नॉट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का डी ऑप्शन, ए डी माइनस के बी सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर का क्वेश्चन, द इमेज ऑफ द सर्कल मोड ऑफ जेड माइनस टू इक्वल्स टू टू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड प्लस वन इज, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यू माइनस टू बाई फाइव का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू बाई फाइव का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू थ्री आई जेड प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन। ओके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 43 नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन जेड। 44 नंबर का क्वेश्चन है, इफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इज अ फंक्शन देन अ पॉइंट जेड सच दैट जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इज कॉल्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फिक्स्ड पॉइंट। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जेड इक्वल्स टू माइनस के डी सी अपॉन डी अपॉन सी एंड जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। 46 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी फोर यू प्लस थ्री। 47 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर द इनवर्स ऑफ अ पॉइंट जेड विद रिस्पेक्ट टू टू द सर्कल मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू आर इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट 47 का। 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आप देख लीजिए। ओके 49 नंबर का क्वेश्चन, मुझे इसमें डाउट है, वैसे मुझे लगता है बी या सी में से कोई एक है, ठीक है तो आप इसे देख लीजिएगा, अगर आप में से किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 51 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर डी है, पाई अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर। 52 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर सी है,
टू पाई आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन एंड सोन। 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर रेजिड्यू के लिए दिया हुआ, रेजिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फोर एट जेड इक्वल्स टू टू आई, इसका करेक्ट आंसर आई हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी है, माइनस के वन अपॉन सिक्स। 55 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका करेक्ट आंसर सी है, पाई बाई फोर। 56 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं ये भी इंटीग्रेशन का ही है, तो इसका फ्रेंड्स बी ऑप्शन करेक्ट है, पाई अंडर रूट टू अपॉन फोर ए की क्यूब। 57 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पर उसका आंसर ए है, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 58 नंबर का क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर विच, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, एट। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेड वन मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर इज, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर सी है, वन। देन अगेन हम देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन, तो 61 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वन अपॉन टू लॉग टू माइनस के पाई आई अपॉन फोर, द वैल्यू ऑफ लॉग वन माइनस आई की वैल्यू। 62 नंबर का क्वेश्चन है तो जनरल वैल्यू ऑफ लॉग दिस इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉग टू प्लस पाई आई अपॉन थ्री। 63 का करेक्ट आंसर माइनस वन बाई फोर होगा, ठीक है। 64 का करेक्ट आंसर देखते हैं हम यहाँ पर क्या हुआ, इफ फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट देन इट इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हार्मोनिक एट जेड नॉट। 65 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो इसे आप जेड टेंस टू इन्फिनिटी पे रख के देखिए आपका क्या आंसर आता है, फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 का, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। 67 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर सी है, सूडो मैट्रिक के लिए हमें बताना होगा यहाँ पे कि क्या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। ट्राइंगल इन इक्वलिटी यहाँ पे पूछी गई है आपसे। 69 नंबर का क्वेश्चन पूछा था गया है द डिस्क्रीट मैट्रिक डी ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एक्स इज डिफाइंड, तो डिस्क्रीट मैट्रिक हमारी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो इफ एक्स इक्वल्स टू वाई एंड वन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, मैट्रिक स्पेस की जो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, फिर से एक प्रॉपर्टी पूछी गई ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 71 का, 72 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक्स डी डी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस फंक्शन और मैट्रिक। 73 नंबर का क्वेश्चन है इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी एक्स इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट। 74 नंबर का क्वेश्चन है द यूक्लिडियन मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर इज डिफाइंड एज, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। 75 नंबर का क्वेश्चन, इफ एक्स डी इज बी अ मैट्रिक स्पेस एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो देन एक्स डी इज बाउंडेड इफ, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू के फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। सो फ्रेंड्स ये था माशा कुमरी यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी का मैट्रिक स्पेस एक सेमेस्टर का आंसर की। अगर इसमें से आपको कोई भी किसी भी को आंसर में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको करने में बहुत मेहनत लगी तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और आपका पेपर कैसा गया अगर आप इसी यूनिवर्सिटी के हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।